PCl3 contains 25.57%. PCl3 contains 25.57% of phosphorus, while HCl gas contains HCl gas contains 97.23% of chlorine. 97.23% of chlorine. Prove by calculation which law is illustrated by these data. ठीक है, तो देखिए बेटा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, जो PCl3 है उसके अंदर 25.57% तो फास्फोरस है और जो HCl है उसमें 97.23% क्लोरीन है। तो आपको कैलकुलेशन से ये प्रूव करना है कि यहाँ पे कौन सा ला है जो ये डाटा एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो आप देखिए बेटा यहाँ पे तीन एलिमेंट हुए, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। फॉस्फोरस और हाइड्रोजन का कंपाउंड कौन सा बनेगा? PH3। हाइड्रोजन और क्लोरीन का कंपाउंड बनेगा HCl। फॉस्फोरस और क्लोरीन का कंपाउंड बनेगा PCl3। हो गया। अब इसमें गिवन है जो HCl है इसमें कितनी Cl है, ऊपर गिवन दी है HCl में 97.23% Cl है, तो फिर यहाँ पे H कितनी बची, तो 100 में से माइनस कर दोगे 97.23, तो ये 2.77% हो गए। ठीक है, सेकंड है PCl3, तो PCl3 में आपको PG परसेंटेज गिवन है 25.57%, तो Cl की परसेंटेज क्या आ जाएगी, 100 माइनस 25.57 कितनी आ जाएगी, 74.73%। और एक और डाटा आपको दे रखा है PH3 का, ठीक है, वो मैंने लिखा नहीं, यहाँ पर एक लाइन आप और ऐड करने की, जो PH3 है उसमें फास्फोरस कितना है, 91.18%। PH3 contains 91.18% फास्फोरस। तो यहां देखो फास्फोरस की परसेंटेज है 91.18 और हाइड्रोजन की परसेंटेज है 100 में से ये माइनस हम करते तो ये बच जाएगा 8.82%। तो ये हमें यहाँ पे तीन एलिमेंट दिए थे पी एच और सी एल। पी और एच का कॉमन कंपाउंड यहाँ पे बनेगा PH3, एच और सी एल का कॉमन कंपाउंड बनेगा HCl और पी और सी एल का यहाँ कंपाउंड दे रखा है PCl3। अभी डेटा के हिसाब से मैंने सिर्फ यहाँ पे इनका परसेंटेज रेशियो लिखा है बाय मास। फॉस्फोरस की परसेंटेज है 91.18%, हाइड्रोजन है 8.82% इन केस ऑफ फॉस्फीन, इन केस ऑफ HCl percentage of chlorine is 97.23 and percentage of hydrogen is 2.77% and in case of phosphorus trichloride PCl3 percentage of phosphorus is 25.57% and percentage of chlorine is 100 minus 25.57 it equal to 74.73%। ठीक है, अभी तो जस्ट जो डेटा मैं आपको दिया गया है वो मैंने लिखा है कि किस कंपाउंड में किस एलिमेंट की क्या परसेंटेज है। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि आप इसमें ये एक्सप्लेन करो कि जो ये डेटा आपको दिया है ये कौन से लॉ को फॉलो करता है। इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो आपको एक्सप्लेन करना है इन चारों में से जो ये डेटा है ये कौन से लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, तो इस डेटा के मैं सारे जो पॉइंट्स थे वो यहाँ पे लिख चुकी हूँ, तो अब इस स्टेटमेंट को मैं रख कर देती हूँ, यहाँ पे इसका सोल्यूशन कर देती हूँ। स्टेटमेंट बेटा हमने रख कर दी और अब यहाँ पे हम इसका करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए अब इसका सॉल्यूशन आप लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे तीन अलग अलग केस आपको दिए गए हैं उनका हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले केस वन कोई भी ले लें आप, जैसे मैंने PCl3 में ले लिया
25.57% ऑफ फॉस्फोरस है, पी कंटेन्स सीएन, कितने सीएन है बताओ भाई, 74.73% हो गया। 25.57% फॉस्फोरस में क्लोरीन कितनी है, 74.73%, ठीक है। तो 1 ग्राम में कितनी होगी, तो 74.73 डिवाइड बाय 25.57 हो गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, आप इसको सोल्व कर ले, आंसर आएगा 2.92 ग्राम। 2.92 ग्राम केस वन आपका हुआ, ऐसे आप कर ले केस नंबर टू। अब आप देखिए केस टू में क्या है, तो आप कोई भी डेटा उठा सकते हो, मान लो मैंने ये ले लिया 91.18 ग्राम फॉस्फोरस है, 91.18 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस कंटेन्स हाइड्रोजन, कितनी हाइड्रोजन है बोलो भाई, 8.82 ग्राम, तो 1 ग्राम में कितनी हो जाएगी, मैं यहीं पे सोल्व कर दूं, 8.82 डिवाइड बाय 91.18, पॉइंट से पॉइंट फिर कैंसिल हो रहा है, आप इसको सोल्व कर ले, सोल्व करने के बाद ये आएगा 0.0967 ग्राम, 0.0967 ग्राम, ठीक है। तो ये हमने मास निकाल लिया, 1 ग्राम फॉस्फोरस को कितनी हाइड्रोजन चाहिए और 1 ग्राम फॉस्फोरस को कितना क्लोरीन चाहिए, इन दो डेटा से हमने ये निकाल लिया कि 1 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस एटम है कंटेन हाउ मच ग्राम ऑफ क्लोरीन एंड 1 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस एटम कंटेन हाउ मच ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ओके कर लोगे, तो ये आपको करना है। अब इसके बाद हमारा बचा थर्ड डेटा, और थर्ड डेटा हमारा किसका है, फॉस्फोरस और क्लोरीन का है। तो मैं इस वाले पोर्शन को रब कर लेती हूँ, यहाँ पे आगे इसकी कैलकुलेशन करते हैं। देखिए दो केस तो हमने कर लिए, केस नंबर 1 और 2, और अब हम करेंगे रेशियो ऑफ एच एंड सी एन। तो देखिए अब इन दोनों केस में से हम किसका रेशियो निकालेंगे, रेशियो ऑफ एच एंड सी एन, ठीक है। तो आप देखिए बेटा H रेशो सी एन यही है, तो H का रेशो पहले में हमारा क्या आया 0.0967 और क्लोरीन का मास कितना आया 2.92 ये आया, ठीक है हो गया। और अब आप क्या करो, जो आपका रेशो आया ये रेशो ऑफ मास ऑफ मास ऑफ एच एंड सी एन, रेशियो ऑफ मास ऑफ एच एंड सी एन कंबाइंस डायरेक्टली विद ईच अदर, कंबाइंस डायरेक्टली विद ईच अदर, ठीक है कर लोगे। और ऐसे आप रेशियो निकाल सकते हो मास ऑफ एच एंड सी एन का, तो वो डायरेक्टली एक दूसरे के प्रोपोर्शनल में आया, क्योंकि जो दूसरा डेटा आपका है उसमें एच की परसेंटेज कितनी थी बेटा 2.77 और सी एल कितना था 74.97.23, ठीक है। थर्ड कंपाउंड का रेशियो यही था ना H और Cl का, एक बार थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए तो मैं यहाँ पे दो लाइन रब कर देती हूँ ऊपर वाली। यहाँ पे मैंने रेशियो निकाला H का, यहां से निकाला Cl का। अब देखिए आगे, अब जो हमारा थर्ड एलिमेंट था, ठीक है थर्ड एलिमेंट जो हमारा था उसमें एच और सी एल का रेशियो आपको गिवन था। पीछे आप डेटा में देखिए एच का रेशियो क्या था 2.77 और सी एल का रेशियो क्या था 97.23। तो जो ये दो रेशियो आए, एक तो आपका ये रेशियो आया 0.0967 रेशियो 2.92 और एक आपका ये रेशियो आया 2.7 × 97.23, जो ये दोनों रेशियो के आए हैं दे आर सिंपल मल्टीपल टू ईच अदर। तो आप क्या कहेंगे, द टू रेशियोज आर
द टू रेशियोज आर सिंपल मल्टीपल टू ईच अदर. द टू रेशियो आर सिंपल मल्टीपल टू ईच अदर. दैट्स व्हाई क्या फॉलो कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दे फॉलो, दैट्स व्हाई दे फॉलो लॉ ऑफ, कौन सा लॉ फॉलो कर रहे हैं, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. दैट्स व्हाई दे फॉलो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. ठीक है, तो ये आपका फोर्थ जो लॉ है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, उसका न्यूमेरिकल हमने किया. आप इसको नोट डाउन कर लें. कोई भी डाउट है आपको इसमें तो आप बोल सकते हैं. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे आप इसको नोट डाउन कर लो, आपकी मर्जी है. हो गया बेटा, अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड. अदरवाइज फिर मैं आपका नेक्स्ट आगे टॉपिक शुरू करती हूँ. दीक्षांत शर्मा, ओके, वन मिनट बेटा. नितिन, चलिए इसके बाद अब सेकंड न्यूमेरिकल देखिए बेटा. सेकंड न्यूमेरिकल है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का ही. और देखिए न्यूमेरिकल ये है, CO2 contains 27.27% कार्बन. CS2 होता है कार्बन डाइसल्फाइड. CS2 contains 15.79% कार्बन एंड SO2 contains 50% सल्फर. SO2 contains 50% सल्फर. ठीक है, प्रूव दैट दे फॉलो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. प्रूव दैट दे फॉलो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. बेटा दीक्षांत, आपका डाउट यहाँ क्लियर हो जाएगा. देखो फर्स्ट डाटा मैंने लिया CO2, इसमें C है 27.27%, तो O कितना बचेगा, 100 में से माइनस कर लिया 72.73%. सेकंड डाटा है CH2, इसमें कार्बन है 15.79%, तो S कितना बचेगा, 100 में से माइनस इसको कर लूं, 100 में से माइनस करूंगी तो ये हो जाएगा 84.21%. आप देखो थर्ड डाटा में क्या है, SO2, इसमें S कितना है 50% और इसमें O भी है
50%। ठीक है, तीनों डेटा आपने लिख लिए, जो जो आपको गिवन था वो सब लिख लिया। अब इसके आगे आपको इसको प्रूफ करना है, तीनों केस जैसे अभी करवाए ना सेम वैसे होगा। तो यहाँ पे तीन एलिमेंट थे ना, सी ओ एस, सी ओ एस से क्या बना, सी एस टू, एसओ ओ से एसओ टू, सी ओ ओ से सी ओ टू। तो इसमें तीन केस कर लो, केस नंबर 1, 2 and 3, और उसका सेम वैसे ही सॉल्यूशन कर दो। तो देखिए देखिए, तो अब यहाँ फर्स्ट केस देखिए, पहला केस मान लो मैंने CO2 के लिए किया, ठीक है, तो कितना कार्बन है, 27.27 ग्राम कार्बन है, हैव ऑक्सीजन कितनी, 72.73, तो एक ग्राम में कितनी हो जाएगी, 72.73 डिवाइड बाय 27.27, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो ही गए, तो क्या आंसर आ गया, 2.67। अब सेकंड डेटा देखो CH2 का, 15.79 ग्राम कार्बन है, इसमें सल्फर कितनी है, 84.21 ग्राम सल्फर, ठीक है, तो 1 ग्राम में कितना होगा, 84.21 डिवाइड बाय 15.79, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2.67। अब इन दोनों का मास रेशियो निकालो, यहाँ एस और ओ का, सॉरी यहाँ पे आएगा, हाँ एस और ओ का ही आएगा, ठीक है, तो सॉरी इसमें ये आंसर नहीं आएगा, यहाँ आंसर आएगा 5.33। अब आप मास रेशियो निकालो, मास रेशियो को S and O, S का है 5.33, O का है 2.67, तो 267 टू से 533 के आसपास ही होता है, तो ये मास रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1। S और O का मास रेशियो क्या आया, 2:1 आया। और जो थर्ड केस है, थर्ड केस में S और O दोनों कितने हैं, 50-50 है, मतलब थर्ड केस में एस और ओ का मास रेशियो क्या आया, 1:1 आया। तो आप क्या कहेंगे, जो ये दो रेशियो, एक तो आपका 2:1 और जो थर्ड केस में रेशियो आया एस और ओ का 1:1, दीज टू रेशियोज आर सिंपल मल्टीपल टू ईच अदर, ठीक है ना, दीज टू रेशियो आर सिंपल मल्टीपल टू ईच अदर, इसीलिए कौन से लॉ को फॉलो करेंगे, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को, दैट्स व्हाई दे फॉलो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है, तो ये आप कर लेना।